मेरा नाम सुशील वर्मा एडवोकेट। सर यहाँ पे आप आए किसी ये एक बहुत दुखद समाचार है हमारे जनपद का। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो इतना बड़ा दुखद समाचार सुन के कहीं भी अगर न्याय संगत कोई बात होती है तो वो वहां न जाए। हो सकता है शायद उसकी बातों से या उसके विचारों से कहीं कोई रास्ता निकल आए। हम तो यहाँ इसीलिए आए हैं। भाई देखिए, होने की जहाँ तक बात है कि क्या होना चाहिए, जो होना था वो तो हो गया। अब ये आगे इस प्रकार की बातें रिपीट ना हो, इस तरह की मंच और इस तरह के जो आयोजन है वो तो हमेशा साधु संतों के द्वारा या जो भी अपने इस तरह के मठाधीश है वो तो करेंगे, लेकिन पब्लिक को जरा सोचना चाहिए कि क्या किसी की पैरों की रज लेने से उसकी जिंदगी संभल जाएगी। अरे रज की अगर बात करते हैं, स्मरण की बात करते हैं, तो आप ईश्वरी शक्ति की बात कीजिए। क्या किसी के द्वारा लगाए गए नल के पानी से क्या उसका कष्ट दूर हो जाएगा? और अगर वो आज कष्ट दूर हो जाए तो जिनके यहाँ ये हादसा हुआ है, जिनके यहाँ ये मौतें हुई हैं, उन लोगों को ये परमिशन दी जाए और उन लोगों को ये कहा जाए कि भाई अगर इतनी ही बड़ी श्रद्धा है तो बाबा के घर की एक ईंट लगा के अपने घर में लगा लो, जिससे हो सकता है शायद तुम्हारा महल भी बाबा जैसा हो जाए या उस जैसी ख्याति भी आपको मिल जाए। इसी बात बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि अंधभक्ति और इस तरह के आयोजन जो होते हैं वो बड़ी मुस्तैदी के साथ इन पर जो है अंकुश लगना चाहिए और इस तरह के हादसे बार बार ना हो। इसमें प्रशासन की, हमारे जनपद के प्रशासन की कोई कमी नहीं थी। प्रशासन का हर एक व्यक्ति मुस्तैद था, कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक सब लोगों की वहां ड्यूटी लगी हुई थी। और एक कितना बड़ा कार्य किसी व्यक्ति के वहां आयोजन होने से कितनी गवर्नमेंट के कामों में बाधा आती है, यह भी एक चिंतनीय विषय है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।